हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और पाइथन लैंग्वेज कौन से डेटा टाइप्स को सपोर्ट करती है. राइट नाउ द डेटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन हैव. डेटा टाइप ये बताता है कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल कौन सी वैल्यू कंटेन करता है. ओके एक वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू आप स्टोर करते हैं. ओके एंड सेट ऑफ परमिसिबल ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट. और उस वैल्यू पर या फिर उस वेरिएबल पर आप कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप. राइट इसको मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूं. ओके अब देखो यहां पे मैं एक वेरिएबल लेती हूं ए और उसको मैं वैल्यू देती हूं 2. राइट इस वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की है 2. 2 क्या है आपका इंटीजर है. ओके तो जो आपका वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा. उसका डेटा टाइप हो जाएगा इंट. राइट अगर आपको इसका डेटा टाइप पता करना है तो आप क्या करोगे टाइप फंक्शन के अंदर आप वेरिएबल को पास करोगे. ओके क्लास इंट ये आ गया क्लास इंट. फाइन ओके अब देखो अगर मैंने क्या किया वेरिएबल ए है मेरा और इसमें मैंने दे दिया 2.5. राइट 2.5 क्या है फ्लोट नंबर है. ओके अब अगर आप इस वेरिएबल का डेटा टाइप देखेंगे तो क्या आ जाएगा इसका डेटा टाइप फ्लोट आ गया है. राइट ऐसे ही आपने ए के अंदर अगर स्ट्रिंग वैल्यू दी मैंने यहां पे लिख दिया वेलकम. ओके अब हम देखेंगे इसका डेटा टाइप. तो इस वेरिएबल का डेटा टाइप अब क्या है स्ट्रिंग. फाइन तो डेटा टाइप क्या होता है द टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर्ड बाय अ वेरिएबल. ओके अब यहां पे देखो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स पर आप डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो. जैसे मैं यहां पे एक नंबर वाला लेती हूँ यहां पे जो हमने इंटीजर लिया है. ओके जैसे मैंने यहां पे लिया ए इक्वल टू 2 ठीक है बी 4. राइट आपने कर दिया ए इंटू बी. फाइन आपका आंसर आ गया आपने कर दिया ए प्लस बी हो गया. इंटीजर्स पे फ्लोट पे आप मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं. राइट ओके आपने यहां पे कर दिया बी डिवाइडेड बाय ए. राइट आपका आंसर आ गया बी मॉड्यूलस ए 0 आएगा रिमाइंडर. राइट अब मान लो यहां पे आपके पास ए में क्या है स्ट्रिंग वैल्यू है. राइट अब मैं फिर से एक बार क्या करती हूँ स्ट्रिंग वैल्यू देती हूँ. मैंने ए दे दिया यहाँ पे हेलो हेलो. राइट एक वेरिएबल और लिया उसमें मैंने दे दिया वेलकम वेलकम टू क्लास. राइट अब देखो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहूंगी तो क्या ये मल्टीप्लाई होगा. ऐड करना चाहूंगी तो क्या होगा एडिशन हो जाएगा. ये ज्वाइन हो जाएंगे कॉनकैटेनेशन हो जाएगा कॉनकैटेनेशन ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा. अगर मैंने किया ए प्लस बी. राइट तो यहां पे देखो कॉनकैटेनेशन हो गया ये दोनों ज्वाइन हो गए. फाइन लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूंगी तो क्या मल्टीप्लाई होगा नहीं एरर आ गया है. क्यों क्योंकि स्ट्रिंग पर आप मल्टीप्लीकेशन फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते. एडिशन में क्या होता है वो स्ट्रिंग ज्वाइन हो जाती है कॉनकैटेनेशन हो जाता है. राइट तो आप डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग ही फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं कि किस डेटा टाइप पे आप कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो. राइट पाइथन सपोर्ट्स फॉलोइंग डेटा टाइप्स. पाइथन इन डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है नंबर स्ट्रिंग लिस्ट टपल डिक्शनरी. राइट फर्स्ट वी हैव नंबर डेटा टाइप. इन पाइथन द नंबर डेटा टाइप्स आर यूज टू स्टोर न्यूमरिक वैल्यूज. ओके नंबर डेटा टाइप्स के वेरिएबल न्यूमरिक वैल्यूज को स्टोर करते हैं. नंबर्स इन पाइथन कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इंटीजर और इंटीजर के अंदर इसके अंदर साइन इंटीजर्स आएंगे नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर एंड बुलियंस. फाइन नेक्स्ट वी हैव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर. राइट ओके फर्स्ट वी हैव इंटीजर्स. इंटीजर रिप्रेजेंट होल नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट. तो इंटीजर होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है. होल नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट होते हैं. फाइन विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट वो नंबर जिसके अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होता है कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है. फाइन जैसे आपने यहाँ पे लिखा 25 तो 25 आपका क्या है इंटीजर नंबर है. इट कैन बी पॉजिटिव इंटीजर नंबर और इट कैन बी नेगेटिव इंटीजर नंबर. राइट ओके एंड अगर आपने लिख दिया यहाँ पे 25.5 तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया फ्रैक्शन आ गई. ओके तो ये आपका क्या हो गया दिस इज नॉट अ इंटीजर नंबर ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया. फाइन नाउ दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड हैव अनलिमिटेड साइज इन द पाइथन. ओके तो ये क्या आपकी इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं. ओके एंड इनका साइज क्या है अनलिमिटेड सब्जेक्ट टू द अवेलेबल मेमोरी जितनी मेमोरी है. अगर आपको बहुत लॉन्ग नंबर स्टोर करना है इंटीजर नंबर स्टोर करना है तो और आपके पास मेमोरी अवेलेबल है तो आप स्टोर कर सकते हो. राइट ओके बिकॉज यहाँ पे
पे क्या है, इनकी साइज के लिए लिमिटेशन नहीं दी गई है. फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे आपको कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर नंबर्स शो किए गए हैं. राइट नाउ अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटीजर. राइट, देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीजर्स इन पाइथन. दो टाइप्स के इंटीजर्स होते हैं, साइंड इंटीजर्स. इट इज अ साइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स. अभी मैंने आपको बताया जहां पे आप पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को यूज करते हो, द इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. इन पाइथन इंटीजर्स कैन बी ऑफ एनी लेंथ. अभी मैंने आपको ये पॉइंट भी बताया कि इनकी लेंथ पर कोई लिमिटेशन नहीं है. इट इज ओनली लिमिटेड बाय द मेमरी अवेलेबल. जितनी मेमरी है आप उतना बड़ा इंटीजर इसके अंदर स्टोर कर सकते हो. Fine, so it depends on the memory of your system. In Python, int data type can be used to store both big and small integer values. So Python में integer data type की help से आप एक बड़ी value को भी store कर सकते हैं, एक small value को भी store कर सकते हैं. Okay, तो first आपका क्या है, integers, signed integers, right? And second type of integer क्या होता है आपका, booleans. The boolean type is a subtype of integer. ओके, बुलियन क्या है, इंटीजर का सब टाइप है. दी रिप्रेजेंट द ट्रुथ वैल्यू फॉल्स एंड ट्रू. बुलियन का किस लिए यूज करते हैं, बुलियन का ट्रू एंड फॉल्स बताने के लिए आप यूज करते हो. विच इज स्टोर्ड इन द इंटरनल मेमोरी एस 0 and 1. राइट, इंटरनली बुलियन कैसे स्टोर होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू कैसे स्टोर होती है, फॉल्स एज अ 0 स्टोर होती है एंड ट्रू एज अ 1 स्टोर होती है. ओके, इंटरनली ये नंबर के फॉर्म में स्टोर होते हैं बुलियंस. तो ये भी क्या कंसीडर होते हैं, ये भी न्यूमरिक वैल्यूज कंसीडर होती हैं. राइट, ये भी फिर क्या कंसीडर होता है, टाइप ऑफ इंटीजर. टू गेट द बुलियन इक्विवेलेंट ऑफ 0 or 1 यू कैन टाइप बूल 0 or बूल 1. अगर आप जानना चाहते हो कि बूल 0 and बूल 1 का क्या रिजल्ट है, तो आप इसको ऐसे टाइप करके देख सकते हो. बूल 0 का मीनिंग क्या होता है, फॉल्स, एंड बूल 1 का मीनिंग होता है ट्रू. फाइन, अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ. यहाँ पे हम बुलियन डेटा टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया ए, ओके, और उसको वैल्यू दी ट्रू. राइट, अब अगर मैं ए का डेटा टाइप देखना चाहती हूँ वेरिएबल का, तो मैं क्या करूँगी, टाइप ए, टाइप फंक्शन के अंदर वेरिएबल ए को पास करूंगी. तो यहाँ पे देखो क्या आ गए, बूल, क्लास बूल. मीन्स ये वेरिएबल इस वेरिएबल का कौन सा डेटा टाइप है, बुलियन डेटा टाइप है. राइट, ओके, अगर मैंने यहाँ पे बी किया, एक और वेरिएबल लेते हैं और मैंने कर दिया फॉल्स, उसकी वैल्यू मैंने दी थी फॉल्स. राइट, अब मैं करती हूँ टाइप बी, ओके, आपके पास आ गई है क्लास बूलियन. ओके, अब देखो बूल अगर मैं 0 लेती हूँ, तो बूलियन वैल्यू 0 इंटरनली जो आपकी इंटरनली है फॉल्स वैल्यू. राइट, जो फॉल्स वैल्यू आपका है वो इंटरनली कैसे स्टोर होता है, एज 0. तभी तो इसको एज अ इंटीजर कंसिडर किया जाता है. अगर मैं यहाँ पे बूल 0 लिखती हूँ तो क्या आएगा, आपका फॉल्स आएगा. अगर मैं बूल 1 लिखती हूँ तो ये क्या आएगा, आपका ट्रू आएगा. राइट, बिकॉज इंटरनली आपका ट्रू एंड फॉल्स कैसे स्टोर होते हैं, ट्रू एज अ 1 स्टोर होता है इंटरनल मेमोरी में एंड फॉल्स एज अ 0 स्टोर होता है इंटरनल मेमोरी में. ओके, अब यहाँ पे देखो मैंने अगर लिख दिया ए इक्वल्स टू ट्रू, मैंने यहाँ पे क्या किया है, कोट्स में दे दिया है. फाइन, अब अगर मैं टाइप करती हूँ टाइप ए, तो क्या ये बुलियन होगा, नो, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग वैल्यू, क्योंकि आपने कोट्स में ट्रू दे दिया है. राइट, स्ट्रिंग आ गया. बी मैंने दिया और बी मैंने यहां पे लिख दिया फॉल्स. राइट, अब मैं अगर टाइप देखूं बी का, तो बी का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है. फाइन, बिकॉज मैंने यहां पे ट्रू एंड फॉल्स किस में दिया है, कोट्स में दिया है. राइट, तो ये क्या बन गया, स्ट्रिंग वैल्यू. अब ये बुलियन वैल्यू नहीं है, ये क्या बन गई है, स्ट्रिंग वैल्यू बन गई है. ओके, अब देखो मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे लिया ए और मैंने उसमें कर दिया 10 प्लस बूल 1. राइट, अब यहाँ पे जो बूल 1 है वैल्यू, राइट, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट होके यहाँ पे टाइप कास्टिंग हो जाएगी एंड 10 प्लस 1 हो जाएगा. ओके, अब यहाँ पे देखो रिजल्ट, अगर मैं ए प्रेस करती हूँ तो मेरा रिजल्ट आ गया 11. फाइन, बूल 1 जो है, वैसे अगर आप इसको सिंपली अगर टाइप करते बूल 1 तो आपका क्या आता, ट्रू आता, बट यहाँ पे हम क्या करें, एक इंटीजर से इसको क्या करें, ऐड कर रहे हैं. फाइन, तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग हो जाएगी, तो 10 प्लस 1 आपकी एक ही ए वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई है, 11. फाइन,
नेक्स्ट वी हैव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स अलाउज टू स्टोर नंबर्स विद द डेसिमल पॉइंट. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डेसिमल नंबर्स को स्टोर करते हैं, उन नंबर्स को स्टोर करते हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट आता है. ओके, फ्रैक्शनल नंबर को ये स्टोर करते हैं. लाइक आपका हो गया 3.14 माइनस 43.2 2887.26, राइट. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 15 डिजिट प्रिसीजन, राइट. तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इंटीजर्स की तरह पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम 15 डिजिट का आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज कर सकते हैं, राइट. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैव टू एडवांटेजेस ओवर इंटीजर. फ्लोटिंग पॉइंट के हम यहाँ पे दो एडवांटेजेस देखेंगे ओवर इंटीजर, राइट. दे कैन रिप्रेजेंट वैल्यूज बिटवीन द इंटीजर्स. अब देखो इंटीजर क्या हो गया, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, वन हो गया, इंटीजर टू हो गया. अब इसके इन बिटवीन वैल्यूज कौन रिप्रेजेंट करेगा? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंट करेगा, लाइक 1.01, ओके 1.02. तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का यूज हो रहा है इंटीजर्स के बीच की वैल्यूज को शो करने के लिए, ओके. दे कैन रिप्रेजेंट अ मच ग्रेटर रेंज ऑफ वैल्यूज. तो यहाँ पर ये एक लार्ज रेंज शो करते हैं वैल्यूज की, ओके. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैव वन डिसएडवांटेज एज वेल. इनका एक डिसएडवांटेज भी है, क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस आर यूजली स्लोअर देन द इंटीजर ऑपरेशन. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, मैथमेटिकल या अदर ऑपरेशंस, वो क्या होते हैं? इंटीजर के कंपैरेटिवली स्लो होते हैं, राइट. नाउ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कैन बी रिटन इन टू फॉर्म. आप टू फॉर्म्स की में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को लिख सकते हैं, फाइन. सबसे पहला क्या है आपका? फ्रैक्शनल फॉर्म. इट कंसिस्ट ऑफ साइंड और अनसाइंड डिजिट इंक्लूडिंग अ डेसिमल पॉइंट बिटवीन द डिजिट. फ्रैक्शनल फॉर्म कौन सी होती है? जहां पे आप क्या, जहां पे वैल्यू के बीच में क्या होगा? डेसिमल पॉइंट होगा, ओके. ये साइन भी हो सकती है, अनसाइन भी हो सकती है. आप इसके आगे नेगेटिव पॉजिटिव साइन लगा सकते हो, या आप विदाउट नेगेटिव पॉजिटिव साइन के भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके. तो फ्रैक्शनल फॉर्म का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले. जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया ए, ओके, उसमें मैंने एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डाला 10.25, राइट. अगर आपको इसका टाइप देखना है तो आप टाइप देख सकते हो, टाइप ए, ओके. इसने शो कर दिया क्लास फ्लोट, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, फाइन. तो मैंने ए वेरिएबल में दिया 10.25. एक और हम फ्लोट नंबर लेते हैं 2.5, राइट. अब देखो आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी करवा सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पे किया ए प्लस बी, राइट, आपका आ गया 12.75. हम यहाँ पे कर सकते हैं ए माइनस बी, ओके. देन आप ए इंटू बी, दिस इज योर रिजल्ट, ए डिवाइडेड बाय बी, ओके. ए मॉड्यूलस बी, ये आपका रिमाइंडर शो करेगा, राइट. तो यहाँ पे आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पे कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो, फाइन. नेक्स्ट है आपका एक्सपोनेंट फॉर्म. इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. एक्सपोनेंट फॉर्म में आप इसको एक नंबर को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट, फाइन. अब जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं 5.8. ये क्या है? आपका फ्रैक्शनल नंबर है और यू कैन से आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है. कैन बी रिटर्न एज 0.58 इनटू 10^1, राइट. हम 5.8 को ऐसे लिख सकते हैं, ओके. अब अगेन अगर हमें इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 0.58, ओके, ई 01, राइट. तो यहाँ पे जो 0.58 है, राइट, तो वो क्या है? आपका मेंटिसा है. वेयर मेंटिसा पार्ट इज दिस, द पार्ट अपियरिंग बिफोर द ई. ई से पहले का पार्ट क्या है? आपका मेंटिसा. एंड ई के बाद का पार्ट क्या होता है? आपका एक्सपोनेंट, राइट. तो एक्सपोनेंट पार्ट इज 1, राइट. तो यहाँ पे ई 01 क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसको रिप्रेजेंट करेगा 10^1, ओके. और एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे हमारा यहाँ पे एग्जांपल है e.02 e^12. तो e^12 क्या हो गया? 10^12, ओके. और ये आपका क्या है? 10^12 क्या है? आपका एक्सपोनेंट पार्ट है, ओके. एंड 3.02 क्या है? आपका मेंटिसा पार्ट है, राइट. तो आप इस फॉर्म में भी अपने फ्रैक्शनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट. अब एक एग्जांपल हम एक्सपोनेंट फॉर्म का भी ले लेते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में. जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया अगेन ए, और उसमें मैंने वैल्यू दी 5.8, राइट. अगर मैं ए को प्रिंट करती हूँ 5.8 आ गया, राइट. अगर मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ए इक्वल्स टू 0.58, ओके, ई 01, ठीक है. तो ये आपने इसको, अब जो 5.8 था उसको मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया है 0.58 e 01. तो ये क्या होगा आपका? आपने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया. अगर मैं अब ए को फिर से
डिस्प्ले कराती हूँ। तो देखो आंसर क्या आ गया आपका 58। ओके, तो ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में भी डिस्प्ले करा सकते हो। फाइन, नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पाइथन आर मेड अप ऑफ पेयर्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्बिनेशन होता है रियल एंड इमेजिनरी नंबर का। ओके, दे टेक द फॉर्म एक्स प्लस वाई जे और एक्स प्लस वाई जे। तो यहाँ पे आप कैपिटल जे भी यूज कर सकते हो और एंड आप स्मॉल जे भी यूज कर सकते हो। जहाँ पे एक्स क्या है, एक्स इज द फ्लोट और रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्स को कंसिडर किया जाता है रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड इन वाई जे, वाई इज द फ्लोट एंड जे और कैपिटल जे और स्मॉल जे इंडिकेट्स द स्क्वायर रूट ऑफ द इमेजिनरी नंबर माइनस वन। तो सिंपल टर्म्स में आप ये देखो, ये जो एक्स है वो क्या है, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड वाई जे इज कंसिडर्ड एज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। और यहाँ पे जो जे है वो क्या होता है, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ द इमेजिनरी नंबर माइनस वन, राइट। जे क्या है, स्क्वायर रूट है माइनस वन का। फाइन, दिस मेक्स वाई द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, समझ आ गया। एक्स क्या होता है, एक्स आपका रियल पार्ट होता है, एंड वाई जे आपका क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर रिप्रेजेंटेड एज फ्लोट्स। अब दोनों रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स क्या होते हैं, उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, फ्लोट में, राइट। दे आर फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू कौन सी होती है, जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट आता है। फाइन, एक यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है 2 प्लस 5 जे, राइट। अगर आप इस नंबर का रियल पार्ट निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 2। ओके, एंड ये क्या होता है, ये रिप्रेजेंट कैसे होता है एज अ फ्लोट, तो 2.0 आया है। एंड 5 जे क्या होगा आपका 5.0, राइट। मैं इसको प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाती हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिया एक्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या ले ली, 2 प्लस 5 जे, राइट। अब अगर मैं x को प्रिंट कराती हूँ, राइट, आपका प्रिंट हो गया 2 प्लस 5 जे। अब आप देखना चाहते हो कि इस नंबर में रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो आप क्या करोगे, प्रिंट, यहाँ पे आपने दिया x डॉट रियल, ओके, एंड x डॉट इमेजिनरी, IMAG, राइट राइट। अब आपका देखो आ गया यहाँ पे 2.0 आपका क्या है, रियल पार्ट है, ओके, एंड 5.0 आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। फाइन, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया बी, ओके, 0 प्लस 4.5 जे, ओके, अब मैं इसको प्रिंट कराती हूँ बी। अब देखो 4.5 जे आ गया, क्योंकि जो इसका रियल पार्ट क्या है वो 0। अब एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी, जो हमने फर्स्ट एक्स प्रिंट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या आया था, पैरेंथेसिस में आया था, लेकिन जो सेकंड वन है वो विदाउट पैरेंथेसिस आया है। ओके, तो इसका क्या रीज़न है, इसका ये रीज़न है, पाइथन डिस्प्लेस कॉम्प्लेक्स नंबर इन पैरेंथेसिस व्हेन दे हैव अ नॉन जीरो रियल पार्ट, ठीक है। पैरेंथेसिस में ये कब रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, जब इसका जो रियल पार्ट होता है वो नॉन जीरो होता है, ठीक है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर रियल पार्ट जीरो होगा तो ये पैरेंथेसिस में नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्प्ले नहीं करेगा। फाइन, तो यहाँ पे देखो हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर देखे। अब आप एक चीज़ और देख सकते हो, आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। फाइन, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक नंबर हम ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, चलो ए मैंने लिखा 7 प्लस 8.5 जे। फाइन, एक मैंने नंबर ले लिया बी, और मैंने ले लिया यहाँ पे 0 प्लस 5 जे, राइट, और मैंने कर दिया ए प्लस बी, आ गया आंसर आपका। ओके, यहाँ पे देखो 7 प्लस 0 7 आ गया, एंड 8 प्लस 5 13 13.5 जे आ गया, राइट। ऐसे आप और भी कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे मैंने फिर से लिखा a इक्वल टू 7 प्लस 8.5 ही ले लेते हैं, चलो जे, ओके, एंड बी की वैल्यू मैं चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, ओके, और यहाँ पे मैंने 6 कर दिया, 6 जे। फाइन, अब ए प्लस बी, राइट, यू गॉट द रिजल्ट, 7 प्लस 2 आपका 9 आ गया, एंड 8 प्लस 6 आपका 14.5 जे आ गया। ओके, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रिंग डेटा टाइप। अ स्ट्रिंग डेटा टाइप होल्ड स्ट्रिंग डेटा दैट इज एनी नंबर ऑफ वैलिड करेक्टर्स इन टू अ सेट ऑफ क्वोटेशन मार्क। स्ट्रिंग डेटा टाइप स्ट्रिंग डेटा कंटेन करता है। स्ट्रिंग डेटा क्या होता है, जो डेटा आप किस में दे रहे हो, क्वोटेशन मार्क्स में दे रहे हो, सिंगल कोट में दे रहे हो, डबल में दे रहे हो, ट्रिपल में दे रहे हो, ओके, वो स्ट्रिंग डेटा टाइप कंसिडर होता है, राइट। जैसे आपने यहाँ पे लिखा ए,
ओके, एंड आपने इसको सिंगल कोट या डबल कोट किसी में भी स्पेसिफाई किया, तो ये आपका क्या स्ट्रिंग डेटा टाइप। यहाँ पे आपने लिखा वन, वन को भी आपने क्या किया कोट्स में डिफाइन किया, तो यहाँ पे वन क्या बन गया आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप बन गया है, राइट। आपने एक सिंबल लिया, ओके, यहाँ पे एंड का सिंबल लिया, उसको आपने कोट्स में दे दिया, तो ये भी क्या बन गया स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा, राइट। इन पाइथन ईच करेक्टर स्टोर्ड इन अ स्ट्रिंग इज अ यूनिकोड करेक्टर। पाइथन में जितने भी करैक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप में स्टोर होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, यूनिकोड करैक्टर होते हैं। यूनिकोड करैक्टर आपको पता है पाइथन यूनिकोड करैक्टर सेट को फॉलो करता है जिसके अंदर वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस के करैक्टर इंक्लूडेड है, राइट। तो जिस करैक्टर सेट को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉलो करती है उसके ही करैक्टर्स वो अपनी कमांड्स लिखने में यूज़ करती है। तो यहाँ पे पाइथन का जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है वो जितने भी यूनिकोड करैक्टर्स हैं उन सबको यूज़ करता है, राइट। Strings are used to store information like name, address, description, etc. तो यहाँ पे कुछ example दिए हुए हैं कि string data type का आप use name लिखने के लिए, address, description, etc. लिखने के लिए use कर सकती हो, right? अब following are some example of string. तो यहाँ पे कुछ example देख लेते हैं। हमने A B C D किया है हमारा string within a double quotes. 1 2 3 4 क्या है string? यहाँ पे 1 2 3 4 number क्यों नहीं है? क्योंकि ये quotes के अंदर है, right? अगर ये simply आपने 1 2 3 4 लिखा होता तो ये number होता। अभी ये किसके अंदर है? इट इज enclosed इन quotes, ये quotes के अंदर है, तो ये क्या बन जाएगा स्ट्रिंग। कोई भी सिंबल अगर आप एनक्लोज करते हो, मतलब उसके आगे और पीछे आप quotes quotation marks लगाते हो, तो वो भी क्या बन जाता है स्ट्रिंग। तो ये आपका देखो, ये भी आपका स्ट्रिंग है, आपने क्वेश्चन मार्क्स दिए, ये भी आपका स्ट्रिंग वैल्यू है, ये भी स्ट्रिंग वैल्यू है, ओके। अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया एस और उसमें मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे स्टोर करा दिया पाइथन ले लेते हैं, राइट, ओके। अब आप अगर इसको प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे आपका पाइथन आ गया, राइट। अगर आप इसका टाइप देखोगे कौन सा डेटा टाइप है एस वेरिएबल का, तो आपके पास टाइप आ जाएगा क्लास स्ट्रिंग, ओके। अब देखो यहाँ पे एस जो पाइथन दिया है, मैं डबल कोट्स में भी दे सकती हूँ, राइट। आप इसको प्रिंट स्टेटमेंट से भी प्रिंट करा सकते हैं, ओके। अब देखो प्रिंट स्टेटमेंट से जब आप प्रिंट कराते हो तो यहाँ पे क्या है, आपके कोटेशन मार्क्स नहीं आएंगे, राइट, ओके। अगर आप सिंपली प्रिंट कराओगे तो ये विद इन द कोटेशन मार्क आएगा सिंगल कोट्स में, राइट, ओके। आप देखो अपने स्ट्रिंग वैल्यू को आप ट्रिपल कोट्स में भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन एंड देन प्रिंट करा दिया एस, ओके। आप इसको ट्रिपल कोट्स, डबल वाले ट्रिपल कोट्स में भी दे सकते हो, राइट, एंड देन आपने प्रिंट करा दिया दिस। तो दिस इज योर स्ट्रिंग डेटा टाइप, ओके। अब हम देखेंगे कि स्ट्रिंग डेटा टाइप में इंडेक्सिंग कैसे होती है। अब यहाँ से देखो, अ पाइथन स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ करेक्टर होता है, एंड ईच करेक्टर कैन बी इंडिविजुअली एक्सेस यूजिंग इट्स इंडेक्स। और स्ट्रिंग के अंदर जितने भी करेक्टर्स होते हैं आप उनको एक्सेस कर सकते हो उनकी इंडेक्स की हेल्प से, राइट। अ स्ट्रिंग इन पाइथन इज स्टोर्ड बाय स्टोरिंग ईच करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग सेपरेटली इन द कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन। तो ये करेक्टर्स कहाँ पे स्टोर होते हैं? कॉन्टिगुअस मीन्स कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं करेक्टर्स, राइट, विद टू वे इंडेक्स फॉर ईच लोकेशन। स्ट्रिंग में आप टू वे इंडेक्सिंग कर सकते हैं, दो तरीके की इंडेक्सिंग कर सकते हैं, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग, ओके। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक स्ट्रिंग है पाइथन, राइट, ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगी? मेमोरी में ऐसे स्टोर होगी, कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे ये स्टोर होगी विद इन कॉन्टिन्यूस ब्लॉक, ओके। ये एक एक ब्लॉक के अंदर ये एक एक करेक्टर स्टोर होता जाएगा, और ये क्या होंगे? कॉन्टिन्यूस ब्लॉक होंगे, राइट, एक के बाद एक, एक से जुड़े हुए ब्लॉक्स होंगे, फाइन। अब यहाँ पे देखो टू टाइप्स की इंडेक्सिंग आप यहाँ पे होगी, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होगी आपकी स्टार्टिंग से, और ये कहाँ से स्टार्ट होगी? जीरो टू जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी करेक्टर्स हैं, टिल द एंड ऑफ द करेक्टर, 0 1 2 3 4 5, राइट। और बैकवर्ड इंडेक्सिंग हम पीछे से करते हैं, लास्ट करेक्टर से करते हैं, ओके। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है? -1 से, -1 -2 -3 -4, लाइक दिस, ओके। अब यहाँ पे देखो, वी कैन एक्सेस एनी करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग बाय राइटिंग द फॉलोइंग सिंटेक्स। आप अगर स्ट्रिंग का कोई भी करेक्टर एक्सेस करना चाहते हो, डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो आप कौन सा सिंटेक्स यूज करोगे? स्ट्रिंग का नाम, स्ट्रिंग नेम एंड इंडेक्स, राइट, इंडेक्स की वैल्यू। जैसे मेरे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग है पाइथन,
ओके, और मुझे पाइथन के इंडिविजुअल करेक्टर्स को एक्सेस कराना है, तो इंडिविजुअल करेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग द इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग का भी यूज़ कर सकते हैं या फॉरवर्ड इंडेक्सिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। देखो अगर आप फॉरवर्ड इंडेक्सिंग का यूज़ करें तो यहाँ पे देखो जीरो इंडेक्स पे आपका क्या है, पी, तो आपने क्या लिया, स्ट्रिंग का नाम एंड जीरो इंडेक्स, तो आपका आ गया पी। और अगर बैकवर्ड से आप करना चाहते हो तो यहाँ पे है माइनस सिक्स, तो आप ऐसे कर सकते हो स्ट्रिंग का नेम लैंग्वेज ओके एंड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट माइनस सिक्स। ओके, तो मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ। अभी देखो हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट की थी एस इक्वल टू पाइथन, अब इसको ही हम यूज़ कर लेते हैं। हमने क्या किया, एस ले लिया और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में आपने ले लिया जीरो। ओके, तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका पी प्रिंट हो गया, या फिर आपने एस लिया और आपने यहाँ पे ले लिया माइनस सिक्स, राइट, माइनस सिक्स ले लिया तो भी आपका पी प्रिंट होगा। ओके, और अगर आपको प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना है तो आप प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर लो, प्रिंट एस ज़ीरो, आगे आपका पी। अगर आप प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हो तो रिजल्ट में आपके क्वोटेशन मार्क्स नहीं आते, सिंगल कोट्स नहीं आता, राइट। ऐसे ही आपने प्रिंट किया, प्रिंट एस, एस में हम लेते हैं माइनस वन, राइट। तो यहाँ पे आप एक स्ट्रिंग के इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो। ओके, अच्छा मैंने माइनस वन लिया है, माइनस वन लिया है तो आपका लास्ट एलिमेंट आएगा, राइट। ऐसे भी आप या तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हो, आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हो। इसकी हेल्प से आप एक स्ट्रिंग के इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। जैसे हम एक और ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, प्रिंट एस, और मैंने ले लिया यहाँ पे फोर्थ करेक्टर, मुझे फोर्थ करेक्टर यहाँ पे एक्सेस कराना है, फोर्थ करेक्टर आपका आ गया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे किया प्रिंट एस, और मैंने यहाँ पे कर दिया माइनस थ्री, माइनस थ्री करेक्टर बैक से एक्सेस हो जाए, आपका एच हो गया, राइट। तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करते हो, कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्सिंग। ओके, नाउ वी कैन नॉट चेंज द इंडिविजुअल लेटर्स ऑफ अ स्ट्रिंग बाय असाइनमेंट। आप स्ट्रिंग के इंडिविजुअल लेटर्स को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है जो चेंज नहीं होता है, हैंस आइटम असाइनमेंट इज नॉट सपोर्टेड। तो स्ट्रिंग के अंदर आइटम असाइनमेंट नहीं हो सकती, राइट। आप उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, इंडिविजुअल करेक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल लो, नेम क्या है, वेलकम है, अगर आप चाहते हो जीरो इंडेक्स, डब्लू की जगह पे क्या आ जाए, एच, राइट, तो ये नहीं आएगा। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हो तो क्या आ जाएगा, टाइप एरर आ जाएगा, एसटीआर ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, आइटम असाइनमेंट को स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट सपोर्ट नहीं करता है। ओके, However, we can assign to a string another string or an expression. हालांकि हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, कंप्लीट वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, फाइन। आप क्या कर सकते हो, ये जो वेरिएबल नेम है, पहले हेलो को पॉइंट आउट कर रहा था, फिर आप सेम वेरिएबल नेम क्या करेगा, किसी दूसरे स्ट्रिंग को पॉइंट आउट करेगा, मतलब उसको रेफरेंस प्रोवाइड करेगा, फाइन। इसको देखो मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। अब हमारे पास हमारा स्ट्रिंग है एस, मैं फिर से प्रिंट करा के दिखा देती हूँ पाइथन। अगर मैं चाहूँ कि एक्स के जीरो इंडेक्स पर, जीरो ही ले लेते हैं, जीरो इंडेक्स पर मैं पी की जगह वही सेम हम ले लेते हैं एच, एच दे दूँ, एच आ जाए, ठीक है, क्या आ गया मेरा, टाइप एरर आ गई, ठीक है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ये आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता है, राइट, इट इज़ इम्यूटेबल डेटा टाइप, फाइन। लेकिन अगर ये देखो मैंने एस को पहले पाइथन, अगर मैं एस प्रिंट करती हूँ, ये पहले क्या दे रहा है, पाइथन इसमें असाइन था, अब मैंने एस में असाइन कर दिया वेलकम, वेलकम असाइन कर दिया मैंने एस में, राइट। अगर अब मैं एस को प्रिंट कराती हूँ तो एस वेरिएबल किसको पॉइंट करेगा, किसको रेफरेंस देगा, वेलकम को देगा, ठीक है। तो आप एक स्ट्रिंग वेरिएबल को दूसरी वैल्यू को पॉइंट करा सकते हो, राइट, दूसरी वैल्यू उसमें असाइन करा सकते हो, बट एक इंडिविजुअल एलिमेंट एक स्ट्रिंग का आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट डेटा टाइप्स आर लिस्ट एंड टपल्स। द लिस्ट एंड टपल्स आर पाइथन्स कंपाउंड डेटा टाइप्स। लिस्ट एंड टपल पाइथन के कंपाउंड डेटा टाइप हैं, क्योंकि दे अलाउ टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स अंडर वन नेम। क्योंकि आप इनके अंदर मल्टीपल वैल्यूज को, इन डेटा टाइप्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, फाइन, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज कंपाउंड डेटा टाइप। और मल्टीपल वैल्यूज भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की मल्टीपल वैल्यूज आप विद इन अ सिंगल वेरिएबल स्टोर कर सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट, आपने एक लिस्ट बनाई एम्प्लॉय की,
आपने स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे उसका एम्प्लॉय आईडी दे दिया, नेम दे दिया एंड सैलरी दे दी है, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज़ किया गया है, राइट। तो आपका ये क्या है, कंपाउंड डेटा टाइप है, जो आपको अलाउ करता है टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स अंडर वन नेम। एक नेम के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, और वो मल्टीपल वैल्यूज क्या होंगी, आप डिफरेंट डेटा टाइप्स की भी ले सकते हो, सेम डेटा टाइप्स की भी ले सकते हो, ओके। अब आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल ऑफ टपल है, टपल इज सेम एज लिस्ट, यहाँ पे देखो, बट एक मेन डिफरेंस होता है, लिस्ट इज म्यूटेबल, आप लिस्ट को चेंज कर सकते हो, बट आप टपल को चेंज नहीं कर सकते, फाइन। तो यहाँ पे टपल आप कैसे क्रिएट करोगे, वेरिएबल नेम, ओके, एंड विद इन द पैरेंथेसिस यू विल गिव द वैल्यूज ऑफ द टपल, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यूज दोगे टपल की, सेपरेटेड बाय द कोमा, राइट। The main difference between the list and the tuple is, अब दोनों के बीच में difference क्या है, a list can be changed or modified, list को आप change कर सकते हो, इसलिए list क्या है, mutable data type है, but a tuple cannot be changed or modified, लेकिन आप tuple को change नहीं कर सकते, इसलिए tuple क्या है, immutable data type है, right। इसको एक बार मैं example की help से आपको समझाती हूँ। तो अब यहाँ पे हम list create करते हैं, हमने list create की, यहाँ पे हमने lst variable लिया है, एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम कलर नेम्स ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया रेड, ओके, एंड देन ब्लू, ओके, एंड हियर वी आर टेकिंग वाइट, फाइन। अब देखो, अगर आप इसको प्रिंट कराना चाहते हो प्रिंट करा दो, एंड आप इसका टाइप देखना चाहते हो तो आप टाइप देख सकते हो, lst आ गया, क्लास लिस्ट, ओके। आप डिफरेंट डेटा टाइप्स भी यूज़ कर सकते हो विद इन अ लिस्ट, जैसे मैंने यहाँ पे वन किया, नेम आपने दे दिया रोहन, ओके, एंड मार्क्स दे दिया आपने 80.5 कर देते हैं, फाइन, ओके, lst को आपने प्रिंट करा दिया। अब आप इसका टाइप देखना चाहते हो अगेन, तो आप इसका टाइप देख सकते हो lst, ये आपका लिस्ट, ओके। अब हम क्रिएट करेंगे टपल, मैंने यहाँ पे ले लिया tup, ले लेते हैं, चलो t ले लेते हैं, राइट। और अगेन मैंने यहाँ पे क्या लिया, पैरेंथेसिस लिए, और मैंने यहाँ पे कलर्स नेम ले लिए, रेड, एंड आपका आ गया ब्लू, एंड देन वाइट, ओके, टी को आप प्रिंट कराओगे तो ये आपकी टपल है। आप टाइप देखना चाहते हो तो आप टाइप देख लो यहाँ पे टी का टाइप, ओके, दिस इज योर टपल, फाइन। नाउ सी, अ लिस्ट इन पाइथन रिप्रेजेंट्स अ लिस्ट ऑफ कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, पाइथन में लिस्ट कोमा सेपरेटेड वैल्यूज की लिस्ट को रिप्रेजेंट करती है, राइट। आप लिस्ट के अंदर वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, ओके, एंड वैल्यूज एक दूसरे से कैसे सेपरेट होंगी, विद द हेल्प ऑफ कोमा, ओके, ऑफ एनी डेटा टाइप बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स। आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर किसी भी डेटा टाइप को लिस्ट के अंदर स्टोर करवा सकते हो, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, 1, 2, 3, 4, ये क्या है, आपके नंबर की लिस्ट है, देन aeiou, ये आपकी वोवल की लिस्ट है, यहाँ पे देखो मल्टीपल डेटा टाइप की लिस्ट है, राइट। द वैल्यू स्टोर्ड इन अ लिस्ट आर इंटरनली नंबर्ड फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग इनकी सेम होती है, 0, 1, 2, 3, 4, लाइक दिस, लिस्ट एलिमेंट की फर्स्ट आइटम ऑफ द लिस्ट इज इंटरनली नंबर्ड एज 0, जो फर्स्ट आइटम होगा उसका नंबर क्या होगा, 0, जैसे यहाँ पे हम पूजा ले लेते हैं, सेकेंड आइटम का होगा 1, एंड थर्ड आइटम का होगा 2, लाइक दिस, जब तक आपके आइटम्स हैं, फाइन। जैसे यहाँ पे देखो, आपने एक लिस्ट क्रिएट की एम्प्लॉय में, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसके अंदर 3 आइटम्स हैं, अगर आप चाहते हो फर्स्ट आइटम को एक्सेस करना, फाइन, तो आप क्या करोगे, आपकी लिस्ट का नाम और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स वैल्यू, तो रोहन, तो यहाँ पे देखो ये 0 है और ये 1 है, तो यहाँ पे आपने 1 लिया है, तो 1 पे आपका क्या वैल्यू आएगी, रोहन, ओके। यू कैन चेक द नंबर ऑफ टाइम्स अ लिस्ट नंबर ऑफ आइटम्स इन अ लिस्ट बाय यूजिंग द लेन फंक्शन, अगर आप देखना चाहते हो कि एक लिस्ट में कितने आइटम्स हैं, तो आप लेन फंक्शन की हेल्प से ये भी जान सकते हो, फाइन। इसको देखो प्रैक्टिकली करते हैं, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट बनाई थी, हमारी लिस्ट है यहाँ पे lst, ओके, तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं उसका सेकेंड जो रोहन है उसको एक्सेस करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे करूँगी, प्रिंट, फाइन, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ अपना लिस्ट का नाम lst, में मुझे चाहिए नंबर इंडेक्स 1, क्योंकि 1 जो इसका रोल नंबर है वो 0 इंडेक्स पे है, रोहन इसका 1 इंडेक्स पे है, और उसके मार्क्स 2 इंडेक्स पे हैं, तो मैंने 1 कर दिया, ओके, फाइन, एंटर, आपका रोहन आ गया, प्रिंट फंक्शन दिया था तो आपके कोटेशन मार्क्स में नहीं आया, अगर आप सिंपली ऐसे लिखते lst 1 तो आ जाएगा, बट वो
कोटेशन मार्क्स में आएगा, देखो रोहन आ गया, फाइन। तो आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो, या फिर मैंने LST किया, LST, और मैंने कर दिया जीरो इंडेक्स। जीरो इंडेक्स पे उसका क्या है, रोल नंबर, फाइन, रोल नंबर आ गया, ओके। अगर अब मुझे अपने लिस्ट की क्या चेक करनी है, लेंथ चेक करनी है, तो मैं वो भी चेक कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे कर दिया प्रिंट लेंथ फंक्शन, लेंथ फंक्शन में हम लिस्ट का नाम डाल देंगे LST, ओके। LST आपने लेन फंक्शन के अंदर पास कर दिया, तो आपके पास देखो आ गया 3। तो इस लिस्ट में कितने आइटम्स हैं, 3 आइटम्स हैं आपके, ओके। अब आपको पता है कि लिस्ट क्या है, एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, आप इसके डेटा एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे L लिया, एक लिस्ट में यहाँ पे क्रिएट करती हूँ सिंपल सी, मैंने यहाँ पे लिया 1, 2, 3 एंड 4, राइट। अब मैं क्या करूँगी, देखो इसको प्रिंट कराएंगे तो इसके एलिमेंट्स आ गए, आइटम्स आ गए। अब मैं क्या करूँगी, L के जीरो इंडेक्स पे क्या है हमारा, 1 है, मैं 1 की जगह पे यहाँ पे कर देती हूँ 10, ओके, 10 कर दिया। अब अगर मैं L को प्रिंट कराती हूँ, तो आप देखो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें क्या आ गया, 10 आ गया है, ओके। तो इट शोज लिस्ट इज़ अ म्यूटेबल डेटा टाइप। नेक्स्ट वी हैव टपल्स। टपल्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रुप ऑफ कोमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप विद इन पैरेंथेसिस। टपल्स आप कैसे क्रिएट करते हो, इट इज़ लाइक अ लिस्ट। लिस्ट में क्या होता है, आपके स्क्वेयर ब्रैकेट होते हैं, बट टपल में आपके पैरेंथेसिस होते हैं, और यू कैन से सर्कुलर ब्रैकेट्स होते हैं। तो अगर आप मल्टीपल डेटा टाइप्स को, मल्टीपल वैल्यूज को एक पर्टिकुलर, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हो, तो आप लिस्ट या टपल में या डिक्शनरी में उसको स्टोर कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ ये एक एग्जाम्पल है, कलर्स आपकी टपल है, उसमें आपने वैल्यूज दिए हुए हैं विद इन पैरेंथेसिस एंड सेपरेटेड बाय कोमा। लाइक लिस्ट, टपल वैल्यूज आर आल्सो इंटरनली नंबर्ड फ्रॉम जीरो ऑनवर्ड्स। यहाँ टपल्स में भी इंडेक्सिंग आपकी होती है जीरो से, ठीक है। तो आपका जो ब्लू एलिमेंट है टपल कलर्स का, वो क्या है, जीरो इंडेक्स पर है, देन रेड 1 पर है, देन ग्रीन 2 पे है, एंड ऑरेंज आपका 3 पर है। और आप इंडिविजुअल आइटम्स को एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग द इंडेक्स वैल्यूज, राइट। यू कैन नॉट चेंज द इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ द टपल लाइक लिस्ट, सिंस टपल इज इम्यूटेबल। लिस्ट में आप इंडिविजुअल आइटम्स को चेंज कर सकते हो, बट टपल के अंदर आप इंडिविजुअल आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते हो। लेट अस सी इट्स एग्जांपल। तो यहाँ पे हम एक टपल क्रिएट कर लेते हैं, हमने यहाँ पे टपल क्रिएट कर ली कलर्स, और उसमें हमने कलर्स दे दिए, यहाँ पर कलर्स ले लो आप ब्लू, ऑरेंज, रेड, ओके। तो ये हमने एक टपल क्रिएट करी है, फाइन। इसको आप प्रिंट करा के देख लो, कलर्स, ये आपकी टपल आ गई, ओके। इंडिविजुअल आइटम्स को आप विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यूज आप प्रिंट करा सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ प्रिंट कलर्स, और मैं चाहती हूँ मेरा जो जीरो इंडेक्स पे है, जीरो इंडेक्स पे मेरा ब्लू है, ओके, वो प्रिंट हो जाए, आ गया ब्लू। आप सिंपल ऐसे भी करवा सकते थे, कलर्स एंड जीरो इंडेक्स पे वैल्यू आ जाए, ओके। तो इंडेक्सिंग की हेल्प से आप इसको प्रिंट, इसके इंडिविजुअल आइटम्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, टपल्स के इंडिविजुअल आइटम्स को एक्सेस कर सकते हो, फाइन, ओके। एंड नेक्स्ट क्या है आपका, अब देखो लिस्ट क्या थी आपकी, म्यूटेबल थी, आप उसके आइटम्स को चेंज कर सकते थे, बट टपल्स क्या है, इम्यूटेबल है, आप टपल्स के आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते। जिसका मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे कलर्स लिया, COLORS कलर्स, ओके, और इसके जीरो इंडेक्स पे ब्लू कलर है, मैं चाहती हूँ उसके प्लेस पे क्या आ जाए, उसके प्लेस पे आ जाए ब्लैक कलर, तो हम BLACK ब्लैक लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको सपोर्ट नहीं करेगा, टाइप एरर आ जाएगी। मैंने किया, टाइप एरर आ गई, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ये इम्यूटेबल है, इसके अंदर आप आइटम चेंज नहीं कर सकते हो टपल के अंदर, राइट। नेक्स्ट वी हैव डिक्शनरी। डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर सेट ऑफ कोमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी डेटा टाइप के अंदर आप वैल्यूज को की वैल्यू फॉर्म में स्टोर करते हो, राइट। डिक्शनरी आइटम्स आर डिफाइंड इन कर्ली ब्रैकेट्स। डिक्शनरी की जो वैल्यूज होती है आप उसको कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज करते हो। देर आर यूनिक कीज विद इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में जो कीज होती है वो यूनिक होती है, राइट, आप उनको रिपीट नहीं कर सकते। नो टू की कैन बी सेम इन अ डिक्शनरी। एक डिक्शनरी के अंदर दो की सेम नहीं हो सकती, राइट। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपने लिया है डिक्शनरी का, रोल नंबर, ये क्या है, रोल नंबर की है, उसकी वैल्यू 21 है, नेम इसका की है एंड वैल्यू यहाँ पे रोहन है, क्लास की है, वैल्यू आपका 11th है, परसेंटेज की है एंड वैल्यू 91.5, राइट। तो दिस इज योर डिक्शनरी।
वैल्यूज ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग द कीज, और आप डिक्शनरी की वैल्यूज को कीज की हेल्प से एक्सेस कर सकते हो. लाइक अगर आपको रोल नंबर एक्सेस करना है तो आप रोल नंबर की का यूज करोगे. ओके, डिक्शनरी इज म्यूटेबल, वी कैन मॉडिफाई डिक्शनरी एलिमेंट्स. आप डिक्शनरी के एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हो क्योंकि डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल डेटा टाइप है. अब नाउ मैं आपको ये एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ. तो यहाँ पे हम एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं. मैंने यहाँ पे टू नेम से डिक्शनरी क्रिएट की है, फाइन. और मैंने यहाँ पे ले लिया रोल नंबर, आर एन लिख लेते हैं रोल नंबर को, या फिर रोल नंबर ही ले लेते हैं रोल नंबर, राइट. रोल नंबर है आपका वन. ओके, देन हमने ले लिया नेक्स्ट की, ले लिया हमने नेम. ओके, एंड उसकी वैल्यू आपने ले ली रोहन, फाइन. एंड नेक्स्ट आप ले लो क्लास, क्लास ले लिया क्लास. ओके, एंड क्लास आपने दे दी 9th. ओके, दिस इज 9th. एंड कर्ली ब्रैकेट से आप इसको क्लोज कर दोगे, फाइन. अब मैं अगर इसको प्रिंट कराना चाहती हूँ तो मैं प्रिंट करा सकती हूँ, प्रिंट टू. या आपकी डिक्शनरी आ गई. अगर आपको टाइप जानना है इसका तो आप टाइप जान लो कि स्टू वेरिएबल किस टाइप का है. तो देखो डिक टाइप का है, डिक्शनरी टाइप का है, राइट. आप इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स अगर एक्सेस करना चाहते हो तो आप की की हेल्प से कर सकते हो, फाइन. आपको यहाँ पे कीज को का यूज़ करना पड़ेगा. जैसे मुझे रोल नंबर एक्सेस करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, प्रिंट स्टू. ओके, एंड मुझे क्या करना है, रोल नंबर. तो मैं की दूंगी रोल नंबर. ओके, आगे आपका वन रोल नंबर. ऐसे ही अगर मुझे नेम एक्सेस करना है तो प्रिंट टू. इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से आप कर सकते हो, नॉट इंडेक्स वैल्यू, सॉरी. यहाँ पे आप की वैल्यूज की हेल्प से इसको एक्सेस कर सकते हो. तो हमारी की है नेम और उसकी वैल्यू क्या है, रोहन है. ओके, तो आपका रोहन आ गया, फाइन. अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, ये डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल डेटा टाइप है. आप वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हो, फाइन. तो जैसे मेरा रोल नंबर वन है तो मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कर दूँगी, जैसे मेरे इसका नाम है स्टू, तो मैंने किया स्टू. ओके, और मेरी की क्या है, यहाँ पे की है मेरी रोल नंबर, फाइन. रोल नंबर की है मेरे पास, तो इसकी वैल्यू पहले क्या थी, वन थी. अब मैं इसकी वैल्यू कर देती हूँ 10, ठीक है. मैंने इसकी वैल्यू क्या कर दी है, 10. अब अगर आप टू डिक्शनरी को प्रिंट कराते हो तो देखो रोल नंबर आपका क्या हो गया है, 10. ओके, तो डिक्शनरी क्या है, एक म्यूटेबल डेटा टाइप है. आप इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, फाइन. ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.